मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रॉस रेशियोज। जैसे Z1, Z2, Z3 और Z4, ये आपके पास चार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। ठीक है, दीज आर फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और इन डिस्टिंक्ट फोर पॉइंट्स का आपने क्या फाइंड आउट करना है? क्रॉस रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, उस क्रॉस रेशियो को आप डिनोट कैसे करते हो? उसे ब्रैकेट लगा के Z1, Z2, Z3 एंड Z4, दिस इज़ इक्वल टू। देखो, वैसे तो कई फॉर्म होती हैं, लेकिन मेनली जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे दैट विल बी। आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहली चीज़, आप इस तरह से एक लाइन लगाएंगे, Z1 माइनस Z2 हो गया, यहाँ Z2 माइनस Z3। ठीक है, फिर Z3 माइनस Z4। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा? Z4 माइनस Z1। दिस इज़ क्रॉस रेशियो ऑफ फोर पॉइंट्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4 एंड Z4 माइनस Z1। ठीक है, कहीं पर आपको जो है क्रॉस रेशियो इस फॉर्म का भी मिल सकता है, Z1 Z2 Z3 और Z4, दिस इज इक्वल टू। आपको इस फॉर्म का भी मिल सकता है, इससे Z4 माइनस Z1। ठीक है, यहाँ पे मिल जाए Z2 माइनस Z3 एंड नीचे आपको मिले Z2 माइनस Z1। ठीक है, और इधर हो सकता है Z4 माइनस Z3। तो देखो, चेंजेस अगर हम यहाँ देखें तो Z4 माइनस Z1 सेम है, Z2 माइनस Z3 ये भी सेम है। डिनोमिनेटर में देखो, Z1 माइनस Z2 था ना, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, Z2 माइनस Z1। यहाँ देखो, Z3 माइनस Z4, एक और नेगेटिव साइन बाहर ले लो, एक इधर से आया एक यहाँ से आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या बन गया? Z4 माइनस Z3। मीन्स इसी से आप ये भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कहते हैं कि एक और फॉर्म होती है इसकी, Z1 Z2 Z3 और Z4। इसकी एक दूसरी फॉर्म आपके पास क्या होती है? Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे? Z2 माइनस Z3 एंड Z4 माइनस Z1। मीन्स कहने का क्या है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसने चेंज कर दिए हैं, है ना? तो ये फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग यही वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको मेनली आपको ये ध्यान रखनी है, इन्हीं से हम ये डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दिस वन, इसको आपको याद रखना है। तो Z1 Z2 Z3 Z4 क्या हो जाएगा? Z2 माइनस Z3, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, Z1 माइनस Z2 टू आया, Z2 माइनस Z3 फिर 3 आया, 3 के बाद 4 आता है, Z3 माइनस Z4 4 के बाद फिर 1 आता है, तो Z4 माइनस Z1 साइक्लिक ऑर्डर में। वैसे 4 के बाद 5 आता है, बट यहाँ हम साइक्लिक ऑर्डर की बात करें, 4 के बाद 1। क्लियर हो गया?